सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो टाइफाइड के जस्ट बाद मेरी जो वेट और स्ट्रेंथ है दोनों बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पीक पॉइंट से सीधा बॉटम पे आ चुकी है। पहले मैं 63 kg का था और अब मैं 54 kg पे आ चुका हूँ, मतलब 54.85 kg, अप्रॉक्स 55 kg पे हूँ। और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इतनी डाउन हो चुकी है कि जब मैं लास्ट टाइम बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहा था तो उसमें मैंने अपने PR को सेट कर रखा था। PR कह सकते हैं या फिर मेरा जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है उसमें मैंने अपने बेंच प्रेस में 80 kg ट्राई किया था, बट इस टाइम मुझसे 40 kg भी बहुत मुश्किल से लग रही थी। और पिछली बार मैंने 80 kg के 20 सेट मारे थे, मतलब 20 रेपिटेशन मारे थे, दो सेट के 10-10 रेपिटेशन। और इस बार 40 kg के 7 रेपिटेशन पे ही मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया था। तो एक महीने से मैं बीमार था टाइफाइड से, और अभी एक महीने के बाद और एक महीने से मेरी जिम भी छूटी थी। फिर एक महीने के बाद मैं वापस रिफॉर्म रिगेन करने आ चुका हूँ अपने स्ट्रेंथ को और अपने वेट को। तो उस चीज़ से मैं रिकवर धीरे धीरे हो चुका हूँ, और कुछ चीज़ें मतलब कुछ रिकवरी अभी बाकी है। उसके बाद मैं कल से जिम स्टार्ट कर चुका था, और अभी मैं कुछ दिनों तक मिक्सी मारूंगा, और साथ ही साथ अपना विंटर आर्क भी स्टार्ट हो चुका है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीगेन योर स्ट्रेंथ एंड योर साइज अगेन और वेट, बट इस बार हम करेंगे और जल्द वापस करेंगे सब कुछ को रीगेन और रिसाइज करेंगे अपने बॉडी को। बहुत देख सकते हैं अभी मेरा कंडीशन बहुत बुरी तरीके से दिख रहा होगा। मैं जितना साइज़ मेरा पहले दिख रहा था एक महीने पहले, वो साइज़ अभी है नहीं। सो कोई नहीं, हम इस साइज़ को वापस गेन करेंगे, और इस बार ही हमारा टारगेट होगा 67 kg विंटर आर्ट पे। तो सबसे पहले मैं अपने रिसाइज और अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ को और अपने वेट को गेन करने के लिए अपने एक डाइट चार्ट आज बनाऊंगा, जो कि होगा हमारा विंटर आर्ट का डाइट चार्ट। और अभी तो मैं जस्ट सोकर उठा 8 बजे के करीब में, क्योंकि मैं सुबह दो दिनों से मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। तो ये रहा हमारा, तो ये मैं भी ले रहा हूँ अपनी वेट को और अपने स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंट और बहुत इजी वे लगता है जिससे आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर सको और अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट कर सको। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ उसमें स्प्राउट्स, जो इसमें है हमारे काले चने, मूंग, किशमिश, इन तीनों को, और पीनट अभी मेरे पास है नहीं वरना मैं पीनट भी डालता हूँ। तो इन तीनों को मैंने एक रात पहले पानी में डाल के और इसको फूलने के लिए डाल दिया, और सुबह मैं इसको यूज़ ले रहा हूँ। तो अब मैं इसे खाऊंगा और साथ ही साथ अपने क्लास को कंटिन्यू करूँगा। और अभी कुछ दिनों से मैं जब से मुझे टाइफाइड के बाद मैं जब रिकवर हुआ हूँ तो मैं शाम में ही जिम जाता हूँ, और अभी कुछ मिक्स मारूँगा कुछ दिनों तक। उसके बाद जब मैं देखूँगा मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है फिर मैं अपने सेट्स को स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए मैं अभी क्लास करता हूँ, और अभी मैं सबसे पहले करूँगा फिजिक्स की क्लास करने के बाद मैं अपने ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये हमारा मील नंबर 1 होगा जो कि हम लेंगे अभी सुबह। तो अभी 8:56 हो रही है, मैं सुबह उठा 8 बजे के करीब में, उसके बाद फ्रेश व्रेश होके। और हाँ, एक और चीज़, मैंने ये एक नई लाइट ली है जो कि बहुत सेक्सी लगती है मुझे। ये देखो, रेनबो टाइप है, ये सनसेट लैंप कहते हैं। आप लोगों को लेना हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा। हम इस मील को कंप्लीट करते हुए अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मील पे हम जाएंगे, और जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। विंटर आर के एपिसोड नंबर 1 में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले आईफोन 15 प्लस ली है, उसकी वीडियो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं और प्यार दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ, और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने इस पाउच को खाते हुए।
और फाइनली मेरी फिजिक्स की सारी सारा मतलब क्लास और नोट्स रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ हो चुकी है। तो अभी बज रहे हैं 11:50 मतलब 12 बजे, और मेरी मैगी भी आ चुकी है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, मैगी खा रहा हूँ। बहुत दिनों में तब मन नहीं कर रहा, वो चना वना खा के ना मेरा सरसा दर्द करने लग गया और पूरा मुंह वगैरह, इसलिए मैं मैगी खा रहा हूँ। कंप्लीट हो चुकी है क्लास 11:51। वेदर भी अचानक से चेंज हो गया, बहुत सेक्सी सा मौसम हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या ही सेक्सी मौसम है, आज खूब बारिश होने वाली लग रहा है, मस्त सा मौसम, कितने सेक्सी मौसम भाई, बारिश वारिश आ रही है। अरे इसको गिरा दो साहिल, इसे गिरा देना चाहिए इसे। अपनी मैगी आप खा के फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास पे, जो होगा हमारा बायो का क्लास। बायो का क्लास के बाद फिर हम जिम जाएंगे, और जिम जाने के बाद नहीं फिर लंच करेंगे, लंच के बाद फिर हम जिम जाएंगे, और जिम से वापस आने के बाद अपना पोस्ट वर्कआउट खाने के बाद हम अपने केमिस्ट्री क्लास पे लग जाएंगे। तो पहले हम खा लेते अपना मैगी, आटा मैगी भाई, वो नूडल्स नहीं है, आटा नूडल ही है, ठीक है, मैगी आटा नूडल। एक सर्विंग में 8.5 ग्राम प्रोटीन होता है, मतलब दो सर्विंग में 16 ग्राम प्रोटीन अप्रोक्स। तो चलो खाते हैं अब। मैंने अपनी मैगी भी खा ली है, फिर से बैठ चुका है पढ़ाई करने अपने साथ ये चाय लेकर, क्योंकि कॉफ़ी आज ख़त्म हो चुकी थी। मोस्टली मैं कॉफ़ी पीता हूँ, चाय नहीं लेता हूँ। तो अब चाय लेकर मैं अपनी बायो की क्लास स्टार्ट करने के लिए बैठ चुका हूँ, और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी बायो कंप्लीट कर लें, क्योंकि बायो में बहुत ज़्यादा ही मेरा मतलब छूट रखा है, जो सिलेबस है वो बहुत पीछे है मेरा, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, उसे कवर करना है मुझे जल्दी से जल्दी। तो बायो कंप्लीट करके फिर मैं अपना वो लंच करके और फिर मैं निकल जाऊँगा जिम के लिए। वापस जिम से आके मैं अपने पोस्ट वर्कआउट का खा कर और फिर अपने केमिस्ट्री के लिए बैठ जाऊँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते अपने क्लास को। तो फाइनली हो चुकी है टाइम अभी जिम जाने के लिए। तो बहुत देर से मैं बैठ के पढ़ रहा था, मैं कोशिश में यही था कि मैं 4 बजे करीब जिम चला जाऊं, लेकिन अभी टाइम हो रहे हैं 4:04 मतलब 4:04, और मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि बारिश होने लग गई थी, और अभी जस्ट बारिश ख़त्म हुई है तो मैं निकलता हूँ जिम के लिए। बायो पूरी कंप्लीट हो चुकी है मेरी, अब बायो को मैंने जब पढ़ ही लिया और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब PYQs भी उसके मैंने ना पढ़ लिए, और अब बाकी हमारी सिर्फ केमिस्ट्री, उसको रात में केमिस्ट्री कंप्लीट करके हम सारे जो आज हमने जो पढ़ा उसके उसकी पूरी रिवीजन करेंगे और फिर हम सो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं जिम की तरफ, मैं दिखाता हूँ अभी कैसा वेदर है बाहर। ये देखो अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, ऐसा कोई नहीं, हम निकल लेंगे गाड़ी से और चलते हैं, देखते हैं कि बारिश ज़्यादा तो नहीं हो रही है, वैसे गाड़ी से जाना कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर चलते हैं, तो लेट्स गो, हम चलते हैं। और हाँ ये देखो मैंने क्या किया ना, मेरे पास दो एक ग्रीन और एक ऑरेंज स्ट्रैप थे इस वॉच के, तो मैंने एक ग्रीन और एक ऑरेंज ला के और इसे वो बना दिया पूरा, क्या ट्राई कलर मतलब तिरंगे का कलर, अच्छा लग रहा नहीं, मस्त। चलो फिर चलते अपनी जिम की तरफ।
जब आप वो भी एक महीने के बाद जब मैं जिम में, आज मेरा वैसे तो दूसरा दिन था, तो ऐसा लगता है कि मतलब जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो। कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई पावर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, बस आप अपने आप को कोशिश करते हो कि ये इस सेट को बस कंप्लीट कर ले कैसा भी करके। तो उस फेज में अभी मैं चल रहा हूँ। वैसे हालांकि मेरा मेरी 2 kg गेन हो चुकी है वैसे 4 दिनों में। आज मैं अभी वेट चेक करके जब आया तो मैंने देखा कि मेरी 55.87 हो चुकी है। कल जब मैंने चेक किया था सुबह सुबह, मतलब सुबह नहीं, कल जब मैं जिम गया था जिस टाइम, उस टाइम जब मैंने चेक किया था तो कल मेरा था 53.8 kg, मतलब 80 kg, और अभी है 55.87 kg। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट इंक्रीमेंट हुआ है। हमें अपने पहले, सबसे पहले तो हमारा जो पहले का फेज़ था, पहले का वेट था, उस तक पहुँचना है 63 kg तक। उसके बाद हम 67 kg तक हम इस विंटर में जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बोलना आसान है बट है बहुत मुश्किल, और मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है रात में। उसके लिए मैं अपने रात का जुगाड़, नाइट रात के लिए, और ये साथ में इसको फ्री दे दिया, मतलब फ्री नहीं, ये ले लो बस, कह रहा था खास एक बार देखो, ट्राई करो, ट्राई करेंगे। और ये हमारे रात के लिए, और मैगी अपना आटा नूडल्स नीचे हैं। तो अभी चलो मैं फिर पोस्ट वर्कआउट वगैरह खा के और मैं अपनी है ना क्लास के लिए केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करता हूँ। फिर मिलता है वो केमिस्ट्री क्लास के बाद। मैंने अभी अपने पोस्ट वर्कआउट को भी खा लिया, मतलब अपना डिनर खा लिया है, और अब मैं चल रहा हूँ सोने। और कल जैसे कि संडे सैटरडे, तो कल संडे, तो कल की क्लास, मतलब कल तो क्लास है नहीं, बट हम खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे। मिलते हैं फिर।